शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। नून कलम की और जो कुछ लिखने वाले लिखते हैं उसकी कसम कि ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम अपने परवरदिगार के फजल से दीवाने नहीं हो और बेशक तुम्हारे लिए बे इंतहा अजर है और यकीनन तुम अखलाक के आला मर्तबे पर हो। सो अनकरीब तुम भी देख लोगे और ये काफिर भी देख लेंगे कि तुम में से कौन दीवाना है। तहकीक तुम्हारा परवरदिगार उसको भी खूब जानता है जो उसके रस्ते से भटक गया और उनको भी खूब जानता है जो सीधे रस्ते पर चल रहे हैं। तो तुम झुटलाने वालों का कहा न मानना। ये लोग चाहते हैं कि तुम नरमी इख्तियार करो तो ये भी नरम हो जाएं और किसी ऐसे शख्स के कहे में ना आ जाना जो बहुत कसमें खाने वाला है, जलील है। शरारत से इशारे करने वाला, लगाई बुझाई करने वाला, माल देने में बड़ा बकील, हद से बढ़ा हुआ बदकार, सख्त खूब और इसके अलावा बदजात है। इस सबब से कि माल और बेटे रखता है, जब उसको हमारी आयतें पढ़कर सुनाई जाती हैं तो कहता है कि ये अगले लोगों के अफसाने हैं, हम अनकरीब इसकी ऊंची नाक पर दाग लगाएंगे। हमने इन लोगों की उसी तरह आजमाइश की है जिस तरह बाग वालों की आजमाइश की थी जब उन्होंने कस्में खा खा कर कहा कि सुबह होते होते हम उसका मेवा तोड़ लेंगे और इंशाल्लाह ना कहा। सो वो अभी सो ही रहे थे कि तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से रातों रात उस पर एक आफत फिर गई, तो वो ऐसा हो गया जैसे कटी हुई खेती। फिर जब सुबह हुई तो वो लोग एक दूसरे को पुकारने लगे कि अगर तुमको काटना है तो अपनी खेती पर सवेरे ही जा पहुंचो। सो वो चल पड़े और आपस में चुपके चुपके कहते जाते थे कि आज वहां तुम्हारे पास कोई फकीर ना आने पाए, और कोशिश के साथ सवेरे ही जा पहुंचे गोया पैदावार पर कादिर हैं। फिर जब उन्होंने बाग को देखा तो वीरान, कहने लगे कि हम रास्ता भूल गए हैं, नहीं बल्कि हम बेनसीब हो गए। एक जो उनमें समझदार था बोला, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम तस्बीह क्यों नहीं करते? दूसरे कहने लगे कि हमारा परवरदिगार पाक है, बेशक हम ही कसूरवार थे। फिर लगे एक दूसरे की तरफ रुक करके मलामत करने, कहने लगे हाय शामत, हम ही हद से बढ़ गए थे। उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार इसके बदले में हमें इससे बेहतर बाग इनायत करे, हम अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करते हैं। देखो अजाब यूं होता है और आखिरत का अजाब सबसे बढ़कर होगा, काश ये लोग जानते होते। परहेजगारों के लिए उनके परवरदिगार के यहां नेमत के बाग हैं। क्या हम फरमाबरदारों को नाफरमानों की तरह नेमतों से महरूम कर देंगे? तुम्हें क्या हो गया है, कैसी तजवीजें करते हो? क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें यह बात पढ़ते हो कि जो चीज तुम पसंद करोगे वो तुमको जरूर मिलेगी? या तुमने हमसे कस्में ले रखी हैं जो कयामत के दिन तक चली जाएंगी कि जो कुछ तुम तय कर लोगे वो तुम्हारा होगा? इनसे पूछो कि इनमें से कौन इसका जिम्मा लेता है, क्या इस कौल में इनके कुछ शरीक हैं? अगर ये सच्चे हैं तो अपने शरीकों को ले आए। जिस दिन पिंडली से कपड़ा उठा दिया जाएगा और कुफार सजदे के लिए बुलाए जाएंगे, फिर वो सजदा न कर सकेंगे। उनकी आंखें झुकी हुई होंगी और उन पर जिल्लत छा रही होगी, हालांकि पहले उस वक्त सजदे के लिए बुलाए जाते थे जबकि वो सही और सालिम थे। सो मुझको इस कलाम के झुटलाने वालों से समझ लेने दो, हम इनको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे तरीके से पकड़ेंगे कि इनको खबर भी ना होगी, और मैं इनको मोहलत दिए जाता हूं, मेरा दांव बड़ा मजबूत है। ऐ नबी, क्या तुम इनसे कुछ मुआवजा मांगते हो कि इन पर तावान का बोझ पड़ रहा है, या इनके पास गैब की खबर है कि उसे लिखते जाते हैं? सो अपने परवरदिगार के फैसले का इंतजार किए रहो और मछली का लुकमा होने वाले यूनुस की तरह न होना कि उन्होंने अपने रब को पुकारा जबकि वो दिल ही दिल में घुट रहे थे। अगर उनके परवरदिगार की मेहरबानी उनको न संभाल लेती तो वो चटियल मैदान में डाल दिए जाते मजमूम हालत में। फिर उनके परवरदिगार ने उनको बरगुजीदा करके नेकुकारों में शामिल कर लिया। और काफिर जब ये नसीहत की किताब सुनते हैं तो यूं लगते हैं कि तुमको अपनी निगाहों से फिसला देंगे और कहते हैं कि ये तो दीवाना है। और लोगों, ये कुरान तमाम जहानों के लिए नसीहत है।